तो ये दो स्फीयर हमें दिए हैं तो हमें पूछा गया है कि अगर इनको हम पॉइंट चार्जेस तो इन पर कुछ कुछ चार्जेस हैं ठीक है तो इनको अगर हम पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करें और फोर्स निकालें ठीक है थियोरिटिकल फोर्स निकालें और एक्सपेरिमेंटली हम फोर्स मेजर करें तो उनमें क्या रिलेशन होगा कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा तो जी सीधी सी बात है पॉइंट चार्जेस में तो हमें पता है कि हम एज़्यूम करेंगे कि इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पे इसका सारा चार्ज इसके सेंटर में अब जब रियल बात करते हैं ना एक्सपेरिमेंटल तब क्या होता है चार्जेस पोलराइज होते हैं बुरी तरह से पोलराइज होते हैं अगर दोनों जो मटेरियल हैं वो कंडक्टिंग हो तो पूरा ही पोलराइजेशन हो जाएगा लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है तो थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन होगा लेकिन पोलराइजेशन तो होगा तो पोलराइजेशन के कारण जो जैसे अगर ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कंडक्टर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का फोर्स बढ़ गया ना तो ये तो हो गया कंडक्टर के केस में यहाँ सरफेस पे आ गए चार्जेस लेकिन पोलराइजेशन में भी ऐसा ही होगा तो हर मॉलिक्यूल जब इसका पोलराइज होगा तो जो चार्ज इसका सेंटर पे है प्लस क्यू वो थोड़ा राइट right की तरफ शिफ्ट हो जाएगा हल्का सा कंडक्टर के केस में तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा लेकिन नॉर्मल इंसुलेटिंग बॉडी के केस में भी थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है तब भी वो थोड़ा सा राइट right में शिफ्ट हो जाएगा प्लस चार्ज इधर जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ भी जो फोर्स है वो फिर से बढ़ गया अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो. तो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या समझाया है मैंने सो लेट्स कीप द चार्जेस एट सेंटर एंड लेट द चार्जेस शिफ्ट और मोलिक्यूल्स पोलराइज डिपेंडिंग ऑन कंडिंग और इंसुलेटिंग मटीरियल तो कंडक्टिंग मटीरियल में तो चार्जेज ही शिफ्ट कर जाएंगे और इन केस ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल द मोलिक्यूल्स विल पोलराइज दिस शिफ्टिंग विल लोअर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम अब यहाँ तो मैंने आपको प्लस माइनस का केस लेके बता दिया लेकिन मैं जनरल बात करता हूँ कि जब भी शिफ्टिंग होगी एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिड्यूस अब अगर सो जस्ट थिंग लाइक टू चार्ज बॉडीज कोई हमारे पास दो चार्ज बॉडीज हैं और उनकी जो एनर्जी है इंट्रैक्शन एनर्जी वो कम हो गई तो अगर दोनों लाइक चार्ज बॉडीज हैं ठीक है यहां मैं लिख ठीक है सो इन टू लाइक चार्ज बॉडीज लोअर एनर्जी इंप्लाइज लेस रिपेल फोर्स और वैसे भी आप सोच सकते हो दोनों अगेन आप वर्ष मतलब एक्सट्रीम केस ले लो दोनों कंडक्टर ले लो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो वो इधर भाग गया प्लस चार्ज का प्लस चार्ज इधर भाग भाग गया तो दैट इज द लोअर एनर्जी है ना सो लोअर एनर्जी इंप्लाइज लेस रिपेलिंग फोर्स चार्जेस दूर दूर भग गए एंड इन केस ऑफ अनलाइक चार्जड बॉडीज सो एक प्लस है एक माइनस है तो अगेन एक्सट्रीम केस कंडक्टर प्लस इधर आ गया माइनस इधर आ गया तो so दोनों का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया दैट इज़ अगेन लोअर एनर्जी सो लोअर एनर्जी हियर इंप्लाइज मोर अट्रैक्टिव फोर्स तो ये वैसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे जो मैंने बात करी बट इसको एनर्जी के एंगल से भी सोच सकते हो कि कुछ भी हो रहा है रियल रियलिटी में ना एक्सपेरिमेंटली जो भी हो रहा है तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो लोअर होनी ही होनी है और जब दो लाइक चार्जेस चार्ज बॉडीज में अगर एनर्जी लो हो रही है इसका मतलब चार्जेस दूर भाग रहे हैं और दूर भाग रहे हैं तो रिपेल फोर्स कम हो गया दो अनलाइक चार्ज बॉडीज हैं और एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लोअरिंग दैट मीन्स वो अनलाइक चार्ज बॉडीज पास में आ रही हैं और वो पास में आ रही हैं तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो हमारा डी ऑप्शन आ जाता है कि इर ऑफ देयर मटेरियल्स द कैलकुलेटेड फोर्स विल बी मोर देन मेजर्ड दिस इज लाइक एक्सपेरिमेंटल फोर्स फॉर लाइक चार्जेस एंड कैलकुलेटेड फोर्स विल बी लेस फॉर लेस देन मेजर्ड सो मेजर फोर्स ज़्यादा होगा इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस ठीक है